हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपका अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक का जो सोल्यूशन हो रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा बीजगणित। और इसमें आपके 40 क्वेश्चन हैं जिनको हम लगभग 3 पार्ट में कम्प्लीट करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 होगा, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन 40 क्वेश्चंस को करने के बाद अपने यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी 100% की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपको जहाँ पर जो फॉर्मूला इसमें बताने वाला होगा मैं क्वेश्चन में आपको बता दूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि √3-1 अपॉन √3+1 इज इक्वल टू ए प्लस का बी √3। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखिए, जैसे ही आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कंफर्म ये चीज़ हो जाती है कि हमको ये वाली चीज़ जो है वो इस तरफ भी लानी है, मतलब कोई संख्या प्लस कोई संख्या और उसके साथ में √3। तो जो संख्या पहली वाली होगी वो ए की वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वाली संख्या जो √3 के मल्टीप्लाई में होगी वो बी की वैल्यू हो जाएगी। बस ये हो रहा है। तो आपको क्या देखना है कि आपको ये जो इतनी चीज़ लिखी है इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने परिमेयकरण पढ़ा होगा, उसका मतलब क्या होता है कि नीचे जो चीज़ लिखी हो उसका निशान बदल करके ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस करके दोनों नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है। यहाँ भी आप ऐसे कर दोगे। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि ये देखिए ए और ये सेम टू सेम लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। ये देखिए एक बार प्लस में लिखी हैं दोनों चीज़ें, एक बार माइनस में लिखी हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, एक फार्मूला देखिए आपके सामने आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला निकल के आता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला सामने आया, मैंने बता दिया। तो इस फार्मूले को आप यहाँ पर लगाएंगे कि एक बार प्लस में वही चीज़ लिखी है, एक बार माइनस में वही लिखी है। तो पहले पद का स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा के दूसरे पद का स्क्वायर करोगे मतलब 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर एक फार्मूला आपके सामने आया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ए माइनस बी आया तो मैं बताता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला लगा दोगे, ए की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो आ जाएगा 3, फिर करोगे माइनस 2 ए की जगह √3 और बी की जगह 1 है तो रूट यही आ जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आपने देखा 2 आ रहा है, ऐसा कर लिया। आगे देखते हैं, देखिए ये 3 और ये 1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4 माइनस का 2√3 और नीचे 2 ही आ जाएगा। इस 2 को कैसे ख़त्म करें, आसान है। ऊपर आप देख रहे हो कि 4 और 2√2 में 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो अगर 2 कॉमन मिल लिया गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, क्योंकि 4 को 2 से भाग करोगे 2 ही बचेगा। यहाँ √3 को 2 से भाग करोगे तो केवल √3 बचेगा, ओके। अब नीचे आया 2, ये आपका कट गया, तो आपने देखा कि मेरा केवल और केवल एक नंबर बचा है, वो है 2 माइनस का √3 जो बराबर है आपका ए प्लस का बी √3 का। तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए बी √3 की जगह √3 हो गया। और बी इस √3 में क्या माइनस हुआ होगा कि माइनस √3 मतलब माइनस 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो बी की जगह माइनस 1 है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक वर्ग की परिमाप दी गई है 4a प्लस का 8 और आपसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप आपको दे दिया गया है, जो दिया गया है आपको 4a प्लस का 8, साथ में आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए पूछा क्या है, तो वो होता है भुजा का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। इसके लिए आपको भुजा पत्नी होनी चाहिए, भुजा होने के लिए आपको भुजा पता होनी चाहिए, ये मैंने जैसा बोला। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है
फोर इंटू भुजा, मतलब वर्ग की ही भुजा होगी। तो परिमाप की वैल्यू जैसे दे दी है 4a प्लस का 8 और ये दिया है 4 इंटू, अब भुजा को मैं a मान लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो 4 कॉमन मिलेगा तो a प्लस 2 बचेगा और यहाँ पे 4a, तो ये 4 कट जाएगा, तो आपकी जो भुजा आ गई वो a प्लस 2 आ गई। इतनी बात, बस भुजा का स्क्वायर कर दोगे, a प्लस 2 का स्क्वायर करना है, बस फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 और 2a मतलब 4a प्लस का 2 का स्क्वायर 4, यही वर्ग का क्षेत्रफल होगा जो आपको ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट में दिया है। और क्षेत्रफल का जो आपका मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है, मतलब मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, उसने कहा है कि 1.2x इज इक्वल टू 0.3y आपको दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछी है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो इस चीज़ को देख के पता चल रहा है कि हमको y और x की वैल्यू अलग अलग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 1.2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें आपको 1.2x के बराबर दिया गया है 0.3y और आपसे y माइनस एक्स y प्लस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको y माइनस एक्स और y प्लस एक्स पूछा है अपॉन में, तो y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए जो यहाँ से आप लगा लेंगे। हमने अनुपात समानुपात में ये पूरा पढ़ लिया है। देखिए इस g पॉइंट को इस पॉइंट को हटा सकते हो, तो यहाँ पे आया 12x बराबर 3y, इस 3 से 12 को काटोगे 4 आएगा, इस y को इसके नीचे लेके आओगे, यहाँ पे 1 बचा और ये 4, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से आप देखोगे 4 आ गई, तो 4 माइनस 1 और 4 प्लस 1, तो यहाँ पे आया 3/5, यही इसका आंसर होगा। लेकिन दशमलव में दिया है तो आप कर लीजिए, 0 लगा के पॉइंट बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा और 5 6 30, तो 0.6 इसका राइट आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है यदि x और y को दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि रूट एक्स वाई बराबर 100, तो बताना है कि x प्लस y का कौन सा इसमें मान नहीं हो सकता। देखिए उसने कहा है कि रूट एक्स प्लस वाई बराबर अगर 10 है तो इसमें से x प्लस y का कौन सा मान नहीं हो सकता है, तो अब ये बताना है। तो यहाँ से पहले तो हम x y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये 100 आ जाएगा। तो मतलब x और y के जो भी मान होंगे उनका गुणा करने पर 100 आएगा और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो नहीं आएगा? तो पहला ऑप्शन जैसे दिया गया है 20, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आप जोड़ दो तो 20 आ जाए और गुणा कर दो तो 100 आ जाए? तो वो हो जाएगा 10 × 10, और देखो दोनों को जोड़ने पर 20 आ जा रहा है और गुणा करने पर 100 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। उसने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे दूसरा ऑप्शन दिया है 25, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए? तो अब आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो आपने देखा 20 और 5, भाई 20 × 100 जोड़ने पर 25, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब आ गया 29, ऐसे कौन से दो नंबर हैं? तो एक हो गया आपका 25 और एक 4। देखिए 25 × 100 और 25 और प्लस 4 को जोड़ने पर आता है आपका 29, तो ये भी हो सकता है। अब आया 50, ऐसा कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 50 और गुणा करने पर 100 आ जाए? तो ऐसे कोई नंबर है ही नहीं, ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनको जोड़ने पर 50 आ जाए और गुणा करने पर 100 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन्होंने कहा है कि 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है प्लस का 12। कह रहे हैं कि इसमें से आपका कौन सा x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल क्या करना है, ऑप्शन पुट कर देना है। जो भी ऑप्शन आपका x की वैल्यू रखने पर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ जाए तो समझिए वही ऑप्शन सही होगा।
सबसे पहले हम ए नंबर ऑप्शन को सेट करते हैं कि ए बराबर दिया है -1, एक्स की जगह -1 रखते हैं तो यहाँ 2 की पावर -1 + 5 और यहाँ पे 2 की पावर -1 + 3 = 12। इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 2 + 12। ये देखोगे 2 × 4, 4 × 8, 2 × 16 और इधर देखोगे 2 × 4 + 12 तो ये देखोगे 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे -1 रख देते हैं एक्स की जगह तो दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप सोच रहे हो कि ऑप्शन मैं ना लगा करके आपको उस तरीके से बता दूं, तो मैं पूरा ट्राई करता हूं आपको उस तरीके से बताने का, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो 2 की पावर वाली चीज़ें हैं वो एक तरफ कर लीजिए आप, इधर माइनस में आ जाएगा सब कुछ, ये चीज़ आ जाएगी, ये 12। तो आपको पता है कि अगर ऐसे लिखा है तभी भाई पावर जुड़ती हैं मल्टीप्लाई में, और इधर देखिए ऐसे लिखा है तभी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। आई थिंक यहाँ पे 3 है, इसको 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x, 2 की पावर x दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 5 - 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 की पावर 5, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16 × 32 और इसको सॉल्व करिए तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर x और 12 से 8 = 4 और 2 = 24 और इस तरह पाया 12। तो ये 12 से आपका ऐसे कट गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आया 2 की पावर x × 2 = 1। तो 2 की पावर x है, इस 2 को इसके नीचे ले गया आओगे, तो जब आपका इस तरीके से लिखा है तो इसको ऊपर उठा के ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो x की वैल्यू -1 आ गई। तो आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो, तो इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि व्यंजक ए x² - 2x + a² को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है, 4 बचता है, तो ए का मान आपको बताना है। देखिए, आपको डायरेक्ट क्या करना है, कह रहा है कि एक्स प्लस ए को ये चीज़ कही है उसने, ठीक है, कि मतलब अगर हम इसको जो है इससे भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 4, तो ए का मान बता, भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ x है, यहाँ x² है, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा, इस x का a में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ax आएगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे प्लस है, चेंज करके माइनस तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो 2ax और ax माइनस माइनस में है दोनों, तो जुड़ करके 3ax होंगे प्लस का a². फिर आप देखोगे यहाँ x है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3ax है, तो सेम टू सेम बनाने के लिए माइनस का 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ माइनस का 3ax आ जाएगा, और माइनस का जब 3a का a में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3a² आ जाएगा। तो देखोगे इसको चेंज करोगे तो ये कट जाएगा, इसको चेंज करोगे तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4a², यही आपका शेषफल बचा। तो शेषफल उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि 4a² की वैल्यू उसने दी है कि 4 है, तो ये तो 4 कट गया, तो a² = 1, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेकिन रूट में आएगा तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं कि x प्लस ए की वैल्यू उसने दी है आपको, x + 1/x की वैल्यू 5 दी है और आपसे पूछा है x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। देखिए, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको x + 1/x से x² + 1+x² लाना, मतलब स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा x + 1/x² जो होगा क्या, x² + 1/x² + 2 × ab, तो a की जगह x × 1/x, इधर 5² करोगे तो 25, तो यहाँ से आएगा x² + 1/x², ये xx कटेगा और 25 में इधर 2 माइनस होगा आके, तो 23 आंसर इसका आ जाएगा।
इसी की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ दे दे और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो जो वैल्यू पूछे उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। साथ में प्लस वाला है तो आपको माइनस टू कर देना है। बस अब देखो यहाँ पे 25 माइनस का 2 बराबर 23, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। आपका क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो देखिए x प्लस वाई का क्यूब दिया गया है, साथ में दिया है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब ब्रैकेट में बाहर माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसका क्यूब ओपन करना है फॉर्मूला। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब होगा प्लस का वाई क्यूब होगा प्लस का 3a इंटू बी, तो एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, यहाँ पे देखो प्लस में दोनों मिल रहे हैं, अगर इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये दोनों चीज़ माइनस में हो जाएंगी, तो सिंपल से आपका ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचा 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा इसका गुणनखंड है, तो आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन जो दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कुछ इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। और चौथे में देखो 3xy मिल रहा है, तो आपको सॉल्व करने पर 3xy आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यही इसका एक गुणनखंड होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहे हैं कि आनुपातिक अभिव्यक्ति दी गई है आपको और इसका निम्नतम रूप आपको बताना है। देखिए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दे दिया है और इसका सरलतम रूप या निम्नतम रूप बताना है, तो मतलब सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाना है, जब सॉल्व होना बंद हो जाए वही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, या माइनस है तो प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस वही कर देना है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का एक्स इंटू मतलब ए इंटू बी तो एक्स, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब वन। नीचे आपको क्या करना है, एक बार फॉर्मूला भी पीछे बता चुका हूँ, एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख देते हैं। तो आपने देखा ये माइनस वाला आपस में कट गया, तो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यही इसका सरलतम रूप होगा, जो आपको किस में दिया गया है, आई थिंक ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 में, डी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है कि एक्स प्लस फाइव की वैल्यू उसने दे दी है 0 और आपसे कहा है कि हमको वैल्यू बता दो 5x स्क्वायर प्लस का 50x प्लस का 125। मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आपका कन्फर्म है, माइनस का 5 आएगा। क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको माइनस का स्क्वायर करना आता है या नहीं, बस, और किसी लिए क्वेश्चन ये दिया नहीं आपको, उसने यही देखने की कोशिश की है। तो माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 25 होगा। आप यहाँ देख रहे हो कि माइनस, मैंने ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस का 25 250 होगा और प्लस का 125 हो जाएगा। देखो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे 125 होता है, माइनस का 250 और प्लस का 125, तो ये 125 जुड़ जाएगा तो 250 आएगा, और उसमें से 250 ही घटाओगे तो 0 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसको कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं कि यदि x प्लस वाई की वैल्यू दे दी है और आपको ये चीज़ दिया है ऐसे कि x प्लस वाई बराबर 5 है और बराबर एक्स वाई है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू भी 5 है और एक्स वाई की वैल्यू भी 5 है, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले फार्मूला ओपन करोगे, x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए पहले मैं वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई,
देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू रख सकते हो, माइनस एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन ये चीज़ कैसे आएगी? तो इसको करने के लिए आपको पता है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू आपको कुछ पता हो, हम उसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है, हमको ये चीज़ चाहिए। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू तो 5 दी है तो 25 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू भी 5 दी है तो यहाँ से 10 हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 10 बराबर 15। सब कुछ वैल्यू पता चल गई, इसकी जगह 5 रखो, इसकी जगह आपको 15 रखना है, और माइनस इसकी जगह 5 रखना है, तो यहाँ से 10 बाहर 5 तो आपका 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 50 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा है कि वाई अपॉन का 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ एक्स दिया है, एक्स अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन 8, और आपसे पूछा है एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 8 का मान। सिंपल है, आप इस एक्स को ऐसे रखिए, वाई नीचे ले आइए, 5 ऊपर जाइए 8, तो मतलब एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 8 है, यहाँ रख दीजिए। एक्स की जगह 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा, वाई की जगह 8 रखोगे 16 आएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तो 5/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है सी में। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 14। उन्होंने कहा है कि ए क्यूब की वैल्यू उन्होंने दी है 1 + 7, उसके बाद उन्होंने आपको दी है कि 3³ बराबर दिया है 1 + 7 + b, और एक आपको दिया गया है कि 4³ बराबर 1 + 7 + c, और आपसे कहा है कि ए बी सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है, मतलब हमको ए बी सी की अलग अलग वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8, तो ए बराबर उसका क्यूब रूट होगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 9 है, उसमें से 8 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, भाई जुड़ के उधर आएगा, सॉरी ये 9 नहीं है, 3 × 9 = 27 है, तो बी बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 27 - 8, तो 27 - 8 जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका 19 आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि 16 × 64, और उसमें से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सी बराबर आपका 56 आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे रख दो 2 + 19 + 56, तो आपने देखा 19, यहाँ पे 21 + 56, 5 × 6 = 7 और 5 × 2 = 7, तो 77 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने कहा है कि 80, यहाँ 2 × 0 दिया है 8, और 0 की वैल्यू दी है 10 × x, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 15, ये क्वेश्चन आपको दिया है, और इसके बराबर इतनी चीज़ दी है, और आपसे डायरेक्ट पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताना है। तो देखिए आप इस चीज़ को इस तरफ जो है वो भी इस तरीके से चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे देखो 8 के आगे कितनी संख्याएं हैं, तो आपने देखा 8 के आगे 3, 2, 5 संख्याएं, मतलब 8 × 10^5 ऐसे लिखा होगा, प्लस इस वाले 8 के आगे देखो कितनी संख्याएं हैं, तो आपने देखा 2 है, तो ये इसका मतलब है कि आपको 8 × 10^2 लिखा होगा, प्लस यहाँ पे देखो 8 के आगे कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या, तो मतलब 8 × 10 लिखा होगा। बाकी आपको ये चीज़ मैं उतारूंगा नहीं, समय लगेगा, सेम टू सेम वही है। देखो ये वाला टर्म एक जैसा, ये वाला टर्म एक जैसा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसा, तो तुलना कर दीजिए, यहाँ पे 10^5 है, यहाँ पे 10^x है, तो x बराबर 5 आ गया, यहाँ 10^2 है, यहाँ 10^y है, तो y बराबर आपका 2 आ गया, यहाँ 10^1 है, यहाँ 10^z है, तो z बराबर आपका 1 आ गया, तो 5 × 2 = 7 = 1 = 8, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो आंसर आएगा वो आपका 8 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए।
नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एक गुणनखंड बताना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर ये चीज़ लिखी है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो हमारे माइंड में एक चीज़ ये बननी चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ देखूँ साइड में, मैं लिख रहा हूँ, अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो आता है x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2x स्क्वायर। तो अगर ये चीज़ मेरे सामने लिखी होती तो मैं उसको डायरेक्ट होल स्क्वायर बना देता, और जब होल स्क्वायर उसको डायरेक्ट मैं बना देता तब हमको कुछ चीज़ें जो है आसान हो जाती मेरे पास गुणनखंड बनाने को। तो इस चीज़ को, ये चीज़ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप देख रहे हो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल सा एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसी वाले पूरे में मैं एक एक्स स्क्वायर जोड़ देता हूँ, अगर जोड़ता हूँ तो मुझे मैथ्स में भाई डबल चीज़ करनी पड़ेगी, घटाना भी पड़ेगा। तो आपने देखा कि x की पावर 4 प्लस का 1 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, इतनी चीज़ बन गई। अब इसकी जगह आपको पता है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लोगे और ये आप माइनस का एक्स स्क्वायर कर दोगे। अब देखो गुणनखंड बनाने के लिए आपके सामने साफ साफ लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो यहाँ पे आपको लगा देना है। तो आप देखोगे कि इसको एक बार प्लस में लिख लोगे और इसी को एक बार आप माइनस में लिख लोगे, तो यही दोनों इसके गुणनखंड हैं। इसमें से एक कोई ऑप्शन में आपको दिया गया होगा, देख लीजिए। तो इसमें से जो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ऑप्शन नंबर जो है बी तो नहीं दिया गया है, ए भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि पी की पावर दी है 3 × 2000 और प्लस 3 की पावर दी है माइनस का 2000, और आपसे जो है क्वेश्चन में और कुछ क्या दिया गया है कि क्यू बराबर जो दिया गया है वो 3 की पावर 2000 और माइनस 3 की पावर -2000, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या है दी गई है। तो देखिए ये इसको सॉल्व करके आपको बताना क्या है, आपको पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बताना है, मतलब हमको यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखो इतनी चीज़ लेकर के सेम टू सेम दोनों में एक ही चीज़ लिखी, तो क्यों ना हम इस पूरे को ए मान लें, मतलब इतने को हम ए मान लेते हैं, 3 की पावर 2000 जो प्लस में है उसको ए मान लेते हैं, और इस वाले को जो है जब हम ए मानेंगे तो कन्फर्म है कि ये माइनस में है, तो ये जो हो जाएगा वो 1/a हो जाएगा भाई, ये माइनस में है तो 1/3 की पावर 2000 हो जाएगी, तो वो ऐसे हो जाएगी। तो सेम टू सेम क्यू में भी यही होगा, बस यहाँ पे बीच में माइनस लगा होगा। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब इस चीज़ की हमको वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है ये लिखा है पी एक बार प्लस का क्यू एक बार पी माइनस का क्यू, ये फार्मूला है। तो पी और क्यू को एक बार प्लस करोगे, जब प्लस करोगे अगर पी प्लस क्यू को आप प्लस करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो 2a आ जाएगा। पी माइनस क्यू को माइनस करोगे तो ये प्लस ये माइनस ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, तो a कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1/a प्लस 1/a को जोड़ोगे तो 2/a हो जाएगा। अब 2a मल्टीप्लाई 2/a, बस a आपस में कट कर दो तो आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। कह रहा है कि यदि 2 upon 3x इज इक्वल टू 0.6 और कह रहा है कि 0.02y बराबर 1, तो आपको x प्लस y की पावर माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको x y चाहिए, तो पहले x यहाँ से निकल आएगा, आप देखोगे 0.3/2 आएगा, तो इसको कट करोगे तो 0.3, तो यहाँ 3 × 3 = 9, तो 0.9। यहाँ से आप देखोगे y बराबर 1/0.02,
अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू मिली ही है आपको। तो आपने देखा 0.9, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 0.02 यहीं रहेगा और y ऐसे नीचे आ जाएगा, मैंने यहाँ उल्टा कर दिया था। तो 1/y की वैल्यू क्या है, 0.02, बस 0.02 इसमें जोड़ दो। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो ऐसे जोड़ने के लिए ऐसे करोगे, ये ऐसे, तो ये 2.9, तो इसका राइट आंसर कितना आया, 0.92। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि y बराबर x माइनस का 2 अपॉन x प्लस का 1 और इधर y इज इक्वल टू नॉट 1, तो x की वैल्यू बतानी है। तो बस क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो आप देखोगे कि हो जाएगा y और ब्रेकेट रखो x प्लस का 1, इधर क्या करो x माइनस 2, तो आप क्या करना है वाई एक्स प्लस का वाई एक्स माइनस 2, एक्स वाले एक पास कर लो, वाई एक्स माइनस का वाई माइनस का 2 माइनस का वाई, एक्स कॉमन ले लो वाई माइनस 1 और यहाँ से आपका क्या करो माइनस कॉमन ले लो तो वाई प्लस का 2। अब क्या करो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का 2 और नीचे वाई माइनस का 1। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे कि नीचे भी आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन बदल जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे ये आया, तो एक्स की वैल्यू आ गई वाई प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, जो आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि एक्स बराबर है, उन्होंने कहा है एक्स बराबर 2 प्लस का रूट 2 और आपसे पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करोगे पहले का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये 2ab की जगह हो जाएगा 4√2 और प्लस का b का स्क्वायर 2, तो यहाँ से आया 4 × 2 = 6 और 4√2 इतना आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो 6 प्लस का 4√2 और प्लस का 4/6 प्लस का 4√2, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6 प्लस का 4√2 और इसका यहाँ पे भाई जब इसका आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा, एक को इतने में मल्टीप्लाई करोगे मतलब डिवाइड करोगे इतना ही आएगा, फिर इसमें करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 6 प्लस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 बन जाएगा, तो इसको ओपन कर लेंगे तो 36 प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का 16 और √2 का 2, तो 16 × 2 = 32 प्लस का होता है 2ab, तो 6 × 4 = 24 × 2 = 48 √2 और प्लस का 4 और नीचे जो है 6 प्लस का 4√2 आ ही रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा 36 में 4 जोड़ा तो 40 और 40 में आपने 32 जोड़ा तो 72, तो 72 प्लस का 48 √2 और बटे 6 प्लस का 4√2, यहाँ से 12 ऊपर कॉमन ले लो, 12 × 72 12 × 48 और √2 नीचे भी है 6 प्लस का 4√2, ये 6 प्लस का 4√2 कट गया, 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है, 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके ये 20 क्वेश्चन हो गए, ये पार्ट वन आपका हो गया अलजेब्रा का। आपको आगे के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे और ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो आपका अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बुक में दिया गया है। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट बुक को सॉल्व करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियोस आपने इस बुक के नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आपको प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य समय, औसत, अनुपात समानुपात, एलसीएम एचसीएफ, ये सारे के सारे चैप्टर इस बुक के करा दिए गए हैं, आप वहाँ देख करके अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए जो यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से उनको मैथ्स और साइंस की हेल्प मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।